Welcome back to another vlog video. अच्छा तो सबसे पहले मैं कुछ दिखाता हूँ यार तुम लोगों को. ये देखो यार, ये जो है हमारी छत पर ये पौधा निकला है माशाल्लाह. खुद सोचो यार, खुद क्या अल्लाह यार जबरदस्त क्रिएटर है यार. मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता था. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. अभी का सीन ये, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आना चाहता हूँ. तो तुम लोगों को पता नहीं होगा कि ये शॉप पहले हमारी हुआ करती थी. इस शॉप में तकरीबन हमने 2 साल गुजार दिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कस्टमर बनने लगे हमारे यहाँ पर. मेरा भाई जो है यहाँ पर रिपेयरिंग वगैरह करता था और सीन ये हुआ है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कस्टमर बनने लगे. उसके बाद मेरे भाई ने सोचा कि यार मैं थोड़ी हिजरत करना चाहता हूँ. तो हमने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं. तो ये हमारा भाई जो गया है नौशेरा, आप लोगों को पता भी है, मैंने व्लॉग अपलोड किया था इसमें इस बारे में कि हम नौशेरा जो है जा रहे हैं. तो हमने दुकान वहाँ शिफ्ट की है, वहाँ सामान सारा कुछ हमारी कमर टूट गई कसम अल्लाह की. तो सारा सामान हमने जो शिफ्ट कर दिया, तो मेरे भाई ने वहाँ तकरीबन 3 मंथ मेरे भाई ने वहाँ पर गुजार दिया. तो भाई ने कहा कि यार कस्टमर तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एक कॉलोनी और ज़्यादा बंदों को पता भी नहीं था, वहाँ कुछ काम भी नहीं था क्योंकि वहाँ पर बिजली भी इतनी ख़राब नहीं थी. उसके बाद मेरे भाई ने जो है मुझे कहा कि यार मैं दुकान वापस पेशावर ले आना चाहता हूँ. तो हमने भी कहा चलो ठीक है. तो हमने जो है पेशावर बल्कि यहाँ वापस दुकान ले आई. तो दुकान जब हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दी, जो हमारा ये वाला दुकान है तो ये किसी और ने पकड़ा था कराई पे. तो मेरे भाई ने सोचा कि मैं इसके साथ हो जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, हाथ में इसके साथ मिला देता हूँ और आधे पे आधा कराई मैं दूंगा, आधे कराई ये देगा. तो उस बंदे ने कहा कि यार सही है, लेकिन मैं तुम्हें एक टेबल की जगह दूंगा जहाँ पर तुम रिपेयरिंग करोगे. सही है, वो बात भी सही है, चलो ठीक है. बात भाई ने मुझसे कहा कि यार ये बात है, मैंने कहा छोड़ो जाने दो, इसलिए कि तुम इसके साथ पार्टनरशिप में हो जाओगे, आधा दुकान कर लोगे, वो भी एक टेबल की जगह. सही है, मैंने कहा कि यार भाई छोड़ो, क्योंकि 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद तुम फिर कहोगे कि मुझे अकेला वाला दुकान चाहिए, जो जिसमें मैं अकेला रहूं अलीहदा. तो मैंने कहा कि यार सामान हम ले जाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, उसके बाद तुम 1 मंथ बाद कहोगे कि मुझे दूसरा दुकान चाहिए, वो भी अकेले वाला. तो फिर हम सामान फिर लेके आएंगे और फिर सामान हम दूसरे दुकान में शिफ्ट करेंगे, तो ये तो हमारी कमर टूट जाएगी. मैंने भाई को कहा थोड़ा इंतज़ार करो. इंतज़ार के बाद तकरीबन 4-5 दिन के बाद हम दुकान ढूंढने लगे, लेकिन दुकान नहीं मिला. फाइनली हमें दुकान मिल गया, जो कि हमारे घर के साथ ही है, तकरीबन थोड़ा दूर है. तो यहाँ पर हमें दुकान मिली है, थोड़ी छोटी सी है लेकिन सही है, दुकान मिली हमें. हमने जो है कराई सारा कुछ बात कर ली मालिक के साथ, हमें दुकान पड़ी 8,000 रुपये की और हमने दुकान पकड़ ली. सही हो गया, दुकान पकड़ ली, हमने सारा सामान शिफ्ट कर दिया यहाँ पर और हमारी कमर टूट गई कसम अल्लाह की. मेरा तो थोबा है, मैं पिछली बार नहीं, मैं तो फिर भाई के साथ ये जो है शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं करूँगा. भाई करे तो मैं करूँ, मैं कहूँगा कि नहीं यार बस तुम अकेले ही करो शिफ्टिंग. तो शिफ्ट हो गया, सामान हमने सारा शिफ्ट कर दिया और फाइनल लुक जो है हमारे दुकान का, हमारे शॉप का ये है माशाल्लाह. हमने जैसे ही शॉप खोली और सामान सेट हो गया, 2-3 कस्टमर भी आने लगे. तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये शॉप हमारी अच्छी चले. वाह मेरा हाथ भी थक गया. तो वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय.